हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो स्टैंडर्ड फोर्थ में हम ग्रामर के पॉइंट की ओर जाएंगे। हम तो सबसे पहले हम ग्रामर में थोड़ा देख लेते हैं। एंड सबसे पहले है द पार्ट्स ऑफ स्पीच। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 पार्ट है। फर्स्ट नाउन, सेकेंड द वर्ब, थर्ड द एडजेक्टिव, फोर्थ द एडवर्ब, फिफ्थ द प्रोनाउन, सिक्स द प्रपोजिशन, सेवेंथ द कंजक्शन एंड 8 इंटरजेक्शन। तो आप सब लोग ये तो जानते ही हो गए, नाउन जो है, वर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है, आपने थर्ड में देखा ही होगा। लेकिन आज हम थोड़ा थोड़ा रिपीट कर लेते हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले है दी नाउन। इट इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल, बर्ड, थिंग और फीलिंग। यानी कि नाउन यानी कि जो नाम होता है, कोई पर्सन का नाम हो, कोई प्लेस का नाम हो, कोई एनिमल का नाम हो, कोई बर्ड का, तो इसे नाउन जाना जाता है। ओके, दी वर्ब। वर्ब यानी कि जो एक्शन करते हैं वो। इट टेल्स अस व्हाट अ पर्सन और थिंग इज और डस। जो पर्सन हो और क्या थिंग हो, वो जो करते हैं कुछ, वो यानी कि जो एक्शन जो होती है वो, यानी कि लाइक सेम एग्जाम्पल है। ओके, जैसे कि ईट यानी कि खाना खाना, फिर प्ले यानी कि खेलना, वो सब वर्ब है। नेक्स्ट द एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बारे में हम देखते हैं। इट डिस्क्राइब्स और टेल्स अस समथिंग मोर अबाउट ए नाउन। इट डिस्क्राइब्स व्हाट द नाउन स्टैंड्स फॉर। वो किसे डिस्क्राइब करता है, नाउन को, यानी कि नाउन का जो अर्थ होता है इसमें बढ़ोतरी करता है। जैसे कि एग्जांपल में गुड, ग्रीन, थ्री, मैनी, वो सब, यानी कि जो नाम के अर्थ में बढ़ोतरी करता है। जैसे कि हम एग्जांपल देखते हैं कि पीहू इज अ गुड गर्ल। तो इसमें गर्ल तो है, पीहू गर्ल तो है, लेकिन कैसी गर्ल है, गुड तो है, क्या हुआ, नाम में बढ़ोतरी की ना। यस, वैसे। नेक्स्ट द एडवर्ब। इट टेल्स समथिंग मोर अबाउट ए वर्ब। वो वर्ब के बारे में थोड़ा ज़्यादा होता है, कहता है वो। स्लोली, एग्जाम्पल है स्लोली, सून, ऑफन, हियर, वो सब। ओके, यानी कि स्लोली यानी कि हम चलना क्या है, वर्ब है, लेकिन कैसा चलना, स्लोली चलना, तो क्या हुआ, एडवर्ब हुआ। नेक्स्ट द प्रोनाउन। इट इज़ अ वर्ड दैट स्टैंड फॉर ए नाउन। एग्जाम्पल है ही, शी, दे, अस, यू। द प्रोनाउन है यानी कि वो नाउन की जगह वो प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। जो हम नाम यूज़ करते हैं, हम जो किसी के बारे में बोलते हैं तो शुरुआत उनके नाम से करते हैं, लेकिन जो बारे बारे उनके बारे में जो बोलना पड़ता है तो हम उनका नाम नहीं लेते हैं। जो जस्ट कि बॉय होता है तो उसका जो भी नाम है नाम नहीं लेते, लेकिन ही, शी ऐसे वर्ड यूज़ करके हम बोलते हैं, इसे प्रोनाउन बोलते हैं, नाम की जगह इसका यूज करते हैं वो। द प्रपोजिशन। प्रपोजिशन में है कि इट शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन ए नाउन प्रोनाउन एंड वर्ब और अनदर नाउन प्रोनाउन। ये रिलेशनशिप है किसके बीच में, रिलेशनशिप प्रपोजिशन में, नाउन प्रोनाउन एंड वर्ब। ओके, तो एग्जाम्पल में इन, एट, ऑन, एक्रॉस, अंडर,
तो हम प्रिपोजिशन का यूज करते हैं, जैसे कि कोई चीज हो, जैसे कि क्लॉक हो, तो क्लॉक दीवार पे होती है, तो हम इसको यूज करते हैं। कैसे बोलते, क्लॉक ऑन द क्लॉक ऑन दी वॉल, यानी कि दीवार के ऊपर है, वैसा हम यूज करते हैं ना। यस, नेक्स्ट द कंजक्शन। तो इट इज वर्ड दैट जॉइंस वर्ड्स ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स और सेंटेंसेस टुगेदर, एग्जांपल एंड बट और। यानी कि कंजक्शन जो होता है वो वर्ड को ज्वाइन करता है, एंड जो वर्ड्स के जो ग्रुप होते हैं, यानी कि ग्रुप से क्या बनता है, ग्रुप वर्ड के जो ग्रुप होते हैं उनको ज्वाइन करता है तो सेंटेंस बनता है। तो वर्ड को ज्वाइन करने के लिए एंड सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए हम इन वर्ड का यूज करते हैं, एंड बट और वैसा, इसे कंजक्शन करते हैं जो ज्वाइन करता है। द इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन यानी कि जो हम बोलते हैं ना कि उद्गार वाक्य जो बोलते हैं वैसे। इट इज अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस अ सडन फीलिंग और इमोशन। इसमें इंटरजेक्शन में तुरंत एक फीलिंग आ जाती है, एक इमोशन आ जाता है। ओके, वैसा एग्जांपल में है अलास, ब्रावो, हुर्रा। हम जो खुश हो जाते हैं तो सरप्राइज हो जाते हैं, तो हम ये वर्ड का यूज करते हैं। या फिर कुछ अच्छी घटना घटती है या फिर कुछ बुरा होता है तो सडनली हमारे अंदर से जो फीलिंग और इमोशन बाहर आ जाते हैं उसे इंटरजेक्शन बोलते हैं। ओके, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने ये एक पार्ट देखे। ओके, तो आप ध्यान से आप उनके बारे में नेट पर सर्च करके भी देख सकते हैं। ओके, सो थैंक यू।